दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे कैसे बनाए। अगर दोस्तों आपका पास भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, आप चाहते कि दोस्तों फोन पे में ऐड करके चालू करना, आपको दोस्तों पता नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यह समय वीडियो को शुरू कर लेते, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके फोन पे एप्लीकेशन को अपना मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, अपना मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। अब जैसा ही दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि हम फोन पे में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको एक प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको दोस्तों प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, पूरा पास्ट में दोस्तों आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड, ठीक है। यहां से दोस्तों आपको थोड़ा सा स्लाइड करते जाना है, आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या, ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करके दोस्तों आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को दोस्तों यहां पे आपको ऐड कर लेना, ठीक है। आपको दोस्तों करना कुछ भी नहीं, सर्च बाय बैंक नेम पे दोस्तों आपको क्लिक करके यहां पे दोस्तों आपको लिखना है इंडियन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों लोगो शो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका सामने में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मैं ऐड करूंगा, और उसके बाद दोस्तों देखिए फाइंडिंग अकाउंट लिंकेड विद इतना मोबाइल नंबर, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दे सकते हो दोस्तों, मेरा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है दोस्तों ऑडिट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको डाउन पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपको एक कट बटन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों आपको प्रेस कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट मेथड पे आपने दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड किया, वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, यूपीआई पिन आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यूपीआई पिन दोस्तों आपको सेट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई पिन और दोस्तों रिसेट और दोस्तों सेंस, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों आपको सेट पिन पे आपको क्लिक कर देना। तो चले दोस्तों मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने दोस्तों आपको दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है, आपको दोस्तों एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, तभी दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर इस वाली बैंक अकाउंट को आप चालू कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चले आना बैंक, बैंक आने दोस्तों आपको करना के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल पे मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है IPPB, ठीक है। IPPB जैसे आप लिखोगे दोस्तों, उसके बाद आप जैसे सर्च बटन पे आप क्लिक करोगे ना, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों IPPB मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। इस वाली एप्लीकेशन को अपना मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने दोस्तों ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। आपको दोस्तों करना कुछ भी नहीं, डाउनलोड करके ओपन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं ओपन पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं कि IPPB मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों कमेंट कर देना, इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं अगर दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा ना, तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको ऑलरेडी इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोस्तों लॉगिन करके एमपिन क्रिएट करके आपको रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, आपने जो दोस्तों एमपिन आपने क्रिएट किया होगा इस वाले एप्लीकेशन के अंदर, तो दोस्तों आपको एमपिन आपको डाल देना, ठीक है। अब जैसे दोस्तों एमपिन डालोगे, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आप एंटर हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन के अंदर हम क्यों लॉगिन हुए, सिर्फ दोस्तों हम एटीएम कार्ड का डिटेल्स हम पता करने के लिए, ठीक है। अब जैसे दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद दोस्तों आपको निचली तरफ स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय सर्विस, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन पे एक डेबिट कार्ड करके ऑप्शन मिलेगा, वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपका जो कार्ड का डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पूरा डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ नंबर दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, और दोस्तों एक्सपायरी डेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कार्ड डिटेल, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको व्यू कार्ड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों आपने इस वाले एप्लीकेशन के अंदर जो एमपिन आपने क्रिएट किया ना दोस्तों लॉगिन करते समय, उसी वाली एमपिन को दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। तो चले दोस्तों आपका सामने में एमपिन में डाल देता हूँ। एमपिन डालने के बाद दोस्तों आपको कॉन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद दोस्तों मेरे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड का डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको भी दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कार्ड नंबर, और दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों करना कुछ भी नहीं, इस वाले नंबर को दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ये जो दोस्तों
नंबर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, लास्ट 6 डिजिट का कार्ड नंबर, ठीक है, या फिर दोस्तों जो 16 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको फोन पे एप्लीकेशन के अंदर लास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस दोस्तों कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का नंबर आपको जरूरत पड़ेगा और दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपको दोस्तों करना कि इसको दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना कि आपको जो दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, ठीक है। आपका जो एटीएम कार्ड पे जो 16 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली लास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों मैं आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको डाल देना, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड का डिटेल्स में भर देता हूँ। और हेलो दोस्तों, मैंने एटीएम कार्ड का डिटेल्स भर दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में दोस्तों जिस वाली मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाली मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी दोस्तों ऑटोमेटिकली फिलअप ले लेगा, नहीं तो दोस्तों आपको फिलअप कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना कि यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, आपको दोस्तों न्यू यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करोगे या खुद का बैंक बैलेंस चेक करोगे ना दोस्तों, उसी समय दोस्तों आपको डालना पड़ता है, ठीक है, जो कि दोस्तों हम यूपीआई पिन का नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। आप जो भी दोस्तों आप यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसको दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं 6 डिजिट का यूपीआई पिन में क्रिएट कर लेता हूं। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन क्रिएट किया, ठीक है। आपको भी दोस्तों क्रिएट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। आपने जो दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको दोस्तों आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा आपको डालना पड़ेगा। तो चले दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ। और हेलो दोस्तों मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ, देख सकते हो दोस्तों यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट हो गया, ठीक है। आपका यूपीआई पिन जैसा ही दोस्तों सेट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको करना के बैक चलेना, बैक आने दोस्तों आपको करना के चेक बैलेंस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों देख सकते हो मेरा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों मैं बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चले दोस्तों अभी मैं जो 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट किया ना दोस्तों आपका सामने मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ, देख सकते हो मेरा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सिर्फ 1 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही दोस्तों में फोन पे एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करके दोस्तों और बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से फोन पे एप्लीकेशन के अंदर इसी वाली बैंक अकाउंट को ऐड करके दोस्तों आप चालू कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप किसी का भी मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर, नहीं तो दोस्तों आप यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों खुद का बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।